हैदराबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। 5 नाबालिगों ने मर्सिडीज में लड़की के साथ गैंग रेप किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक विधायक का बेटा है। हालांकि पुलिस इस गैंग रेप में उसके शामिल होने की अभी पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी 11वीं 12वीं के छात्र हैं और सभी का बैकग्राउंड सियासी है। आपको बता दें कि घटना 28 मई की है, जहां लड़की के पिता 1 जून को आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, तो वहीं पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 के तहत जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक पार्टी में पीड़िता के साथ विधायक के बेटे के अलावा अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष का बेटा भी शामिल था। फिलहाल पीड़िता केवल 1 आरोपी की पहचान कर पाई है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी भी नाबालिग है। लड़की के बयान के बाद पुलिस ने धाराओं को बदलकर रेप केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आरोपियों की पहचान करने के लिए पब में पार्टी में शामिल लोगों और वहां काम करने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पब मैनेजर का कहना है कि यहां नॉन अल्कोहलिक पार्टी थी, यहां आए लोगों को शराब सर्व नहीं की गई। तो वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।